ब्लॉक परिसर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व काफी तादाद में पहुंचे किसानों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन लिखा, जिसे तहसीलदार फतेहाबाद को सौंपा गया। देखो, यहाँ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद रहे। खास करके ये पंचायत 18 तारीख को जो लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत हो रही है, जिसमें एक संयुक्त किसान मोर्चा को लेके बैनर तले, इसमें आगरा से भी हजारों किसान जो है वहाँ पहुँचेगा। इस 18 तारीख की पंचायत को लेके भी एक इशू था, लेकिन जो पंचायत आज जो शमशाबाद ब्लॉक के अंतर्गत हुई है, इस किसानों की पंचायत में ये निकल के आया है कि जो खतौनी पे जो नाम उस पर कुर्क लिखा आ रहा है, तो सरकार की आखिर में मंशा क्या है? सरकार चाहती है कि रड़ुओं की एक फौज तैयार कर ले क्या? उत्तर प्रदेश सरकार चाहती क्या, उसकी मंशा क्या है कि इस के अनमेरिट मतलब शादी नहीं हो पाए? सरकार आखिर में चाहती क्या है सरकार? इसलिए देखिए, एक दिन किसान सुख की नींद सोना चाहता है, उसका कर्ज मुक्त कैसे होगा? आप जानते हैं कि कर्ज की वजह से कई परिवार नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए, फांसी के फंदे पर लटक गए हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जो सुख की नींद किसान नहीं ले पा रहा है। तो भारतीय किसान यूनियन का लक्ष्य है कि एक दिन किसान सुख की नींद सोए, तो ये तभी संभव है। एक आर्थिक तौर पर जो किसान कमज़ोर हो गया, वो क्यों हुआ है? उसका जो लागत मूल्य है, मतलब उसका कृषि का जो उपज है, वो ठीक से मिल ही नहीं रहा है। यदि तो किसान की उपज का ठीक मूल्य मिलना चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसके कहकर सत्ता में आई थी कि हम लोग किसान की आय को दोगुना करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, उसकी आय से अधिक का हम लोग देंगे, तो यदि वो देना शुरू कर दे तो हमें किसान कोई भिखारी थोड़ी है। तो तुमसे जो है भीख मांग रहा है, अरे भीख नहीं मांग रहा, अपना हक और अधिकार मांग रहा है। हम सरकार से पुनः कहना चाहते हैं, 18 सितंबर में फिर कोई ना कोई बड़ी घोषणा होगी, और आपकी हम लोग, मुझे लगता है कि कहीं संसद में एक बड़ा कार्यक्रम ना हो जाए, इसलिए सरकार चुपचाप अभी 2024 का चुनाव है, ध्यान दे, अन्यथा ये FIR रहेगी। वाकई ना ये गांव शुरू कर दिया है, 1-2 लाख रुपया हर गांव में से इन्होंने वसूल किया है। ये किसान समझ चुका है, उसको फेस कर रहे हैं। तो बिजली विभाग तो इन्होंने घोषणा की थी, यदि हमारी सरकार बनी तो हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे। अरे सुनो, आज ही मीटर लगवा रहे हैं, मीटर में कोई ऐसा तार हो कि बिजली के बिल माफ़ कर दे। और एग्रीमेंट में हमारे में है कि हम आपको आपके ट्यूबवेल पर 440 वोल्टेज देंगे, वोल्टेज मिल रहे हैं 220 200। जब तक 440 वोल्टेज नहीं मिल जाते, हमें मीटर नहीं लगने देंगे, और जो भी मीटर लग गए उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। किसान के साथ में इतना मान जाए, किसान भाई सारी थोप रहे हो, तुम अपनी तरफ कथन, आपकी जर्जर लाइन, आपके दो घंटा नहीं चलती है कोई लाइन, ट्रम मारती रहती है, किसान क्या करे? 8 घंटा बिजली हमें तो कम 4 घंटा मिलते, तो हालात ख़राब है। हम चाहते हैं कि 18 घंटा बिजली हमें मिलनी चाहिए। बिजली कटौती की समस्या है, और कुछ हमारे जो OTS कर्ज माफ़ी वाली समस्या है, और इसके साथ साथ हमारी कुछ विकास विभाग की खरंजा और नाली की समस्याएं हैं। मुख्य रूप से कुछ 1-2-3 एप्लीकेशन हमारे तहसील स्तर की भी आई हैं, जिनमें चक्रोड या किसी रास्ते को खुलवाने की इसमें मांग की गई है। ये सभी एक समस्या आई है, जिसमें FIR दर्ज की जानी है। तो इन सभी समस्याओं को हम पृथक पृथक बिल्कुल लेटर बनाकर और संबंधित विभाग को भेजेंगे, और वहां से उसका फॉलोअप करके निस्तारण करेंगे। किसानों की मुख्य समस्या है आवारा पशुओं के लिए। जी, आवारा पशुओं के लिए हो सकता है, आवारा पशुओं के लिए वैसे गौशालाएं संचालित हैं, और उसमें बाकायदा वैक्सीनेशन भी है, गौशालाओं में व्यवस्थाएं जिस हिसाब से सरकार ने सोचा है और जो आ रहा है स्कीम के तहत, वो किया भी जा रहा है पूरी तरह से। लेकिन हो सकता है जो भी पशु अगर कहीं आवारा ऐसा पाया जाता है, तो उसको पकड़कर और संबंधित गौशालाओं में भेजा जाएगा सूचना देने पर। तो 16 सूत्री मांगे हैं सर, कितनी पे संज्ञान लिया गया है? प्रत्येक सूत्र पर, हम तो प्रत्येक सूत्र पर संज्ञान लेंगे, और प्रत्येक सूत्र पर मांग है, जायज़ है, प्रत्येक सूत्र पर हम संज्ञान लेंगे और इस पर कार्रवाई भी करेंगे, और संबंधित विभाग को लेटर भी भेजेंगे, और वो होना भी चाहिए। मांग है बड़ी, 78 लाख रुपए का घोटाला किस संबंध में? विकास कार्यों को लेकर घोटाला जी, उसकी पृथक से जांच चल रही है, पृथक से भी चल रही है उसकी जांच, तो सीनियर ऑफिसर के संज्ञान में है वो, और वो है या नहीं है वो जांच अधिकारी ही बता पाएगा उसको, वो पृथक से अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इनका कहना है सर पुनः जाँच कराई जाए।
पुनः जांच, अब एक जांच के बाद अगर कुछ ऐसा निकलेगा तो अगर लगेगा हमारे सीनियर अधिकारी को तो वो कराएंगे। ठीक है।